हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो झेंसर टेक। झेंसर टेक अभी बहुत बढ़िया रनअप आ चुका है आज के दिन में। ऑलमोस्ट 73 पॉइंट्स इसने अप दिखाए हैं और ये लेवल पे मैं कहूँगा कि फ्रेश एंट्री बिल्कुल अवॉइड करो झेंसर टेक में। हालांकि यहाँ से भी ऊपर अपवर्ड मूवमेंट ये जा सकता है, 100% यहाँ से भी अप ही जाएगा, पर यहाँ अभी रिस्क बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब किसी को खरीदना होगा तो उसको स्टॉप लॉस 480 के आसपास बैठ रहा है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा। पर अगर लेना चाहोगे उतनी रिस्क, तो 480 का स्टॉप लॉस लगा के झेंसरटेक में यहाँ से भी फ्रेश बाय कर सकते हो। और जिन्होंने बाय करके रखा है, स्टॉप लॉस ये लेवल का होगा, और जिन्होंने बाय करके रखा है उन्होंने पोजिशन होल्ड करो। झेंसरटेक हम लोगों ने 300 के लेवल पे रिकमेंड किया था और 300 पे मैंने आपको बाइंग के लिए बोला था। बाइंग करने के बाद ये थोड़ा नीचे आया था, पर बाद में जो अपवर्ड मूव दिखाई इसने, ये बहुत ज़बरदस्त है। तो झेंसरटेक को बिल्कुल यहाँ से होल्ड करके चलिए, ये आने वाले टाइम में आपको 1000+ के लेवल दिखाने वाला है। तो झेंसरटेक में बिल्कुल आपको पोजीशन होल्ड करके चलनी है। इसके बढ़ने के पीछे की रीज़न थी ये निफ्टी आईटी का शेयर आज जिस निफ्टी आईटी का चार्ट आज जिस प्रकार से चल रहा है ऊपर की तरफ, उस वजह से ये झेंसरटेक भी बढ़ा है। तो पोजीशन बिल्कुल होल्ड करिए, जैसे ये आईटी का चार्ट बढ़ रहा है इसी हिसाब से झेंसरटेक का भी चार्ट बढ़ते जा रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। तो इसे होल्ड करके चलो 1000 रुपीज़ के टारगेट के लिए।